दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फोन पे ऐप पर ट्रांजैक्शन लिमिट आप कैसे बढ़ा पाओगे। देखिए आप अगर फोन पे ऑपरेशन से आप पैसा ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, और डेली आप दोस्तों इतना ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हो कि आपका जो डेली का लिमिट ही खत्म हो जाता है, तो उसके बाद तो दोस्तों आपको पता ही होगा ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद आपका जो पैसा ट्रांसफर ही नहीं होगा, फेल्ड होगा, बार बार फेल्ड होगा, ठीक है, और वहां पे आपको बताएगा कि आपका जो लिमिट फार हो चुका है। तो इसीलिए दोस्तों आप चाहते कि फोन पे ऑपरेशन के अंदर ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाना, तो दोस्तों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। मैं इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट लेवल का तरीका बताऊंगा जिसे कि आप फॉलो करके आप 100% आपका जो ट्रांजैक्शन लिमिट को आप बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो क्या कुछ तरीका है, आपको कैसे फोन पे ऑपरेशन के अंदर ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाना है, मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसीलिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल पे फोन पे ऑपरेशन को ओपन कर लेना। फोन पे ऑपरेशन को ओपन करने के बाद इस तरह आपका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी यूजर को पता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हम फोन पे ऑपरेशन के अंदर हम ट्रांजैक्शन लिमिट हम कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता लगाना है कि आखिर ये जो फोन पे ऑपरेशन के अंदर आपका जो डेली का ट्रांजैक्शन लिमिट आखिर कितना है, आप एक दिन में कितने रुपीस आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और कितने बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ये दोस्तों सबसे पहले आपको पता लगाना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता लगाने के लिए कहां पर आपको जाने का जरूरत नहीं, मैं आपको दोस्तों सिंपल तरीके से बता देता हूं। तो दोस्तों देखिए आप अगर फोन पे ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं आप एक दिन में सिर्फ दोस्तों 1,00,000 रुपए से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, और उससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद आप कितना यूपीआई ऐप्स पर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, कितने बार आप ट्रांसफर कर सकते हो, सिर्फ 20 बार, ठीक है, और उसके बाद आपका जो डेली का लिमिट दोस्तों खत्म हो जाएगा। मतलब कि पैसा का लिमिट का बात किया जाए 1,00,000 रुपीज और ट्रांजेक्शन का बात किया जाए तो सिर्फ 20 बार, ठीक है। आप अगर 1,00,000 रुपीज 20 बार भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो भी आपका जो डेली का लिमिट खत्म हो जाएगा, और आप अगर 50,000 दो बार आप ट्रांसफर करोगे तो भी आपका जो पैसे का लिमिट का होनुसार आपका जो लिमिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो दोस्तों आपको बात समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं ही आपको बता देता हूँ कि आप कभी भी ये जो ट्रांजेक्शन लिमिट को आप बढ़ा नहीं सकते, ये दोस्तों आरबीआई का रूल है, ठीक है। कोई भी यूपीआई ऑपरेशन के अंदर आपका मर्जी के अनुसार ट्रांजेक्शन लिमिट दोस्तों आप बढ़ा नहीं सकते, कि पैसा का लिमिट भी आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। 1,00,000 रुपीज को आप 2,00,000 रुपीज आप कर ही नहीं सकते, और दोस्तों आप 20 जगह पे 40 बार आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अभी काफी सारे यूजर गुस्सा होते होंगे, यार ये जो ट्रांसफर लिमिट तो बढ़ा नहीं जा सकता, फिर ये जो वीडियो बनाने का क्या मकसद था। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको इस वीडियो में नेक्स्ट लेवल का तरीका दोस्तों बताऊंगा जिससे कि आप 100% आपका जो ट्रांसफर लिमिट का आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, 100% आप बढ़ा सकते हो। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपका पास कितना बैंक अकाउंट है। क्या दोस्तों आपका पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, जैसा कि 2, 3, 4, अगर आपका पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद बैंक अकाउंट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे देख लेना, मैंने फोन पे ऑपरेशन के अंदर 4 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है। तो अभी आपको दोस्तों ट्रिक अप्लाई करने के लिए, देखिए फोन पे ऑपरेशन के अंदर तो आप ट्रांसफर लिमिट आप बढ़ा नहीं सकते, जितना लिमिट सेट है उतने बारी आप दोस्तों आप ट्रांसफर कर सकते हो, और जितना पैसा का लिमिट है उतना पैसा ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, ट्रिक बताऊंगा, तो आपको करने के एक बैंक अकाउंट फोन पे ऑपरेशन के अंदर ऐड कर लेना, ठीक है। जैसा कि मेरे पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है, मैं दोस्तों फोन पे ऑपरेशन के अंदर ऐड करके रखा है। तो अगर आप भी ज्यादा से ज्यादा आप ट्रांसफर करते हो तो आपको भी दोस्तों 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बैंक अकाउंट से दोस्तों आप कर ही नहीं सकते, ट्रांसफर लिमिट को आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको पहले से बता देता हूं। अगर आपका पास 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आपको एक बैंक अकाउंट फोन पे ऑपरेशन के अंदर ऐड कर लेना, और उसके बाद एक बैंक अकाउंट गूगल पे ऑपरेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लेना, और एक बैंक अकाउंट अमेजन पे ऑपरेशन के अंदर ऐड कर लेना, और एक बैंक अकाउंट पेटीएम ऑपरेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। जैसा कि मेरे पास 4 बैंक अकाउंट है तो मैं करूंगा क्या, मैं इन 4 ऑपरेशन को मैं इस्तेमाल करूंगा। तो अगर आपका पास 4 से और भी ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आप टाइम पे ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, बीमी पे ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, और एयरटेल थैंक्स ऑपरेशन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका पास उतना बैंक अकाउंट है। तो अभी दोस्तों आपको ट्रिक क्या है, देखिए आप दोस्तों फोन पे ऑपरेशन के अंदर आप ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे तो दोस्तों एक ही बैंक अकाउंट लिंक है ना, तो यहाँ पे आप फोन पे ऑपरेशन के जरिए से पैसा दोस्तों 1,00,000 रुपीज तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, और कितने बार आप ट्रांसफर कर सकते हो, 20 बार। और सेम फंडा गूगल पे ऑपरेशन के अंदर भी आप कर सकते हो, वहां पे भी आप 1,00,000 रुपीज आप ट्रांसफर कर सकते हो और 20 यूपीआई ट्रांसफर आप कर सकते हो। और आप इसी तरह पे हर एक यूपीआई ऑपरेशन के अंदर 1,00,000 रुपीज दोस्तों आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आप अगर एक दिन में 4,00,000 रुपीज दोस्तों आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको 4 बैंक अकाउंट भी आपका पास होना चाहिए। आप अगर देखिए डेली आप इतना पैसा आप ट्रांसफर करते हो, क्या दोस्तों एक ही बैंक अकाउंट में इतना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो आपका पास ज्यादा बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, नहीं तो आप इतना ज्यादा आप क्यों ट्रांसफर करते हो भाई। नहीं तो इस सेम तरीका आपको फॉलो कर लेना, डेली आपको 1,00,000 रुपीज आपको पैसा ट्रांसफर कर लेना अगर आपका पास एक ही बैंक अकाउंट है तो, और डेली
20 बार आपको यूपीआई ट्रांसफर कर लेना। अगर आप चाहो कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करना तो आपको बैंक अकाउंट पे आपके पास दो से ज्यादा बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ट्रांसफर लिमिट को आप इंक्रीज कर सकते हो। हर एक यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर 1-1 लाख रुपीस दोस्तों आप पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छा ही तरीका दोस्तों ये जो तरीका को आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप एक ही एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे वहां पे आप दो से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड करके रखोगे, जैसा कि मैंने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड करके रखा है 4 बैंक अकाउंट। मैं दोस्तों इतना तो ज्यादा ट्रांसफर नहीं करता हूं, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो ये जो तरीका को आप अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी दोस्तों मैं ट्रांसफर कर ही पाऊंगा वहां पे, मैं फोन पे गूगल पे पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करके वहां पे 1-1 बैंक अकाउंट ऐड करके मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा, ठीक है। वहां पे कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो तरीका आपको कैसा लगा अप्लाई करके देखना, ठीक है, पैसा ट्रांसफर करके देखना क्या दोस्तों हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और 100% हो ही जाएगा, हर एक यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर 1-1 बैंक अकाउंट ऐड करोगे ट्रांसफर करोगे तो पैसा ट्रांसफर 100% हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों एक ही बैंक अकाउंट को आप ये मत समझना, एक ही बैंक अकाउंट को आप फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड करोगे, गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड करोगे, पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर ऐड करोगे और वहां पे आप अगर ये ट्राई करोगे कि 1-1 लाख रुपए से आप पैसा ट्रांसफर करोगे, ऐसा होगा ही नहीं। और 20 से ज्यादा आप अगर 40 बार आप ट्रांसफर करोगे ऐसा होगा ही नहीं, 20 बार आप ट्रांसफर करोगे आपका लिमिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे बात दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यही तभी इस टॉपिक के बारे में, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी फायदा हुआ तो भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।